नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आकृति सुबह से ही गुस्से में थी, इसलिए और दिनों की अपेक्षा रसोई से बर्तनों की आवाज कुछ ज्यादा ही जोर से आ रही थी। कल रात ही उसके साथ सरला जी का फोन आया था कि वो बेटे बहू के पास रहने के लिए आ रही हैं। बस तभी से आकृति का पारा चढ़ा हुआ था। आकृति अपने पति विक्रम और 8 वर्षीय बेटे रोहित के साथ शहर में रहती थी और उसके सास ससुर गांव में रहते थे। आकृति को गांव जाना पसंद नहीं था, इसलिए 5 घंटे की दूरी पर गांव होने के बाद भी विक्रम अकेले ही गांव जाकर अपने मम्मी पापा से मिलाता था। लेकिन 4 महीने पहले ही विक्रम के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तब से सरला जी अकेली पड़ गई थी। विक्रम बहुत दिनों से माँ को अपने पास बुलाया करता था ताकि उनका मन बहल जाए, लेकिन सरला जी कभी शहर नहीं आई। लेकिन इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और अकेलेपन से लड़ते हुए वो थक गई थी, इसलिए कल रात उन्होंने फोन पर बताया कि वो शहर आ रही हैं। तब से विक्रम बहुत खुश था, लेकिन आकृति गुस्से से भर उठी थी। उसे बीमार और बूढ़ी सास की जिम्मेदारी किसी बोझ की तरह लग रही थी। सुबह के नाश्ते के समय तक सरला जी बेटे के घर पहुंच चुकी थी। हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हॉल इतना छोटा सा था कि सोफे और फर्नीचर से ही पूरा हॉल भर गया था। फिर भी बहू ने बहुत सुंदर सजावट की थी। आकृति ने पैर छूने की औपचारिकता निभाकर चाय नाश्ता लाकर उनके सामने रख दिया। फिर आकृति ने इशारे से विक्रम को बेडरूम में बुलाया और इतनी देर की बेचैनी उसके सामने रखते हुए बोली, सुबह रोहित कह रहा था कि वो मम्मी जी के साथ एक कमरे में नहीं रहेगा, तो मम्मी जी कहाँ सोएंगी? सरला जी रोहित को ढूंढते हुए उनके कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी बहू की आवाज सुनकर उनके कदम ठिठक गए। आकृति भुनभुनाते हुए आगे बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि सासू माँ को गाँव में ही रहने दो, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है? अब रोहित भी अपनी दादी के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहता है तो मैं क्या करूं? सासू माँ से कह दो वो रसोई में रह लेंगी, वहीं रात को एक गद्दा डाल देना। बेटे बहू की बातें सुनकर सरला जी की आंखें भर आईं। अपने आंचल के छोर से आंसू पोंछते हुए वो सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। वो सोचने लगी, ठीक ही तो है, अब बेटा बड़ा हो गया है, उसकी अपनी गृहस्थी है, अब ऐसे में उसे मैं बोझ ही लगूंगी। बहू का सोचना भी ठीक है, मैं उसकी गृहस्थी में एक अनचाहा सदस्य ही तो हूँ। लोग सच ही कहते हैं कि बड़े होने के बाद बच्चों को माता पिता की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं बेकार ही गांव छोड़कर यहाँ आ गई। भले ही वहाँ अकेलापन था, लेकिन वहाँ एक सुकून भी था कि कोई मेरी वजह से परेशान नहीं है। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वो बेटे के साथ नहीं रहेंगी और शाम की ट्रेन से ही गाँव वापस चली जाएंगी। इधर विक्रम ने जब अपनी पत्नी आकृति की बातें सुनी तो स्तब्ध रह गया और हैरानी से बोला, यह तुम क्या कह रही हो? माँ है वो मेरी, वो रसोई में क्यों रहेंगी? आकृति मुंह बनाते हुए बोली, तो कहाँ रहेंगी वो? क्या उन्हें मैं अपना बेडरूम दे दूं? फिर मैं कहाँ रहूंगी? देखो भाई, मुझे तो रसोई में ही जगह दिख रही है, बाकी तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तो देख ही लूंगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तभी क्या तुम ऐसा ही करती? आकृति सकपका गई। विक्रम ने आगे कहा, वो सभी छोड़ दो, लेकिन यदि कल को बड़ा होने के बाद हम रोहित के यहाँ जाए और उसकी पत्नी हमें कहे कि हमें रसोई में सोना पड़ेगा तो हम पर क्या बीतेगी? माता पिता ने कितने कष्ट सहकर और त्याग करके हमारी परवरिश की है। उनकी एक अलग गृहस्थी थी, माँ पापा का भी एक अलग बेडरूम हुआ करता था। बुढ़ापे में अगर माँ अकेली हो गई है और उन्हें मेरे साथ रहना पड़ रहा है तो क्या हम उन्हें इतना भी सम्मान नहीं दे सकते हैं कि हम उन्हें एक कमरा दे सके? वैसे भी जगह तो दिलों में होनी चाहिए, फिर कमरे में जगह अपने आप बन जाती है। हाँ, कोई ये सोच ले कि किसी इंसान को जानबूझकर परेशान करना है तो फिर कोई रास्ता नहीं निकल पाता है। पति की दलीलें सुनकर आकृति की आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए थे, क्योंकि उसके पति ने उसे भविष्य का आईना जो दिखा दिया था। आकृति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आप सही कहते हैं, मुझे मम्मी जी का यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं गुस्से में ऐसा कह रही थी। मैं आज ही रोहित को समझाऊंगी कि वह या तो दादी के साथ कमरा शेयर कर ले या फिर वो हमारे साथ हमारे कमरे में आ जाए और मम्मी जी को रोहित का कमरा दे दूंगी। विक्रम मुस्कुरा उठा और कहने लगा,
कि मैं जानता हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो, लेकिन गुस्से में कभी कभी तुम गलत निर्णय ले लेती हो। उसने आगे बढ़कर पत्नी का कंधा मजबूती और विश्वास से पकड़ते हुए कहा कि तुम भी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही माँ के लिए एक नया कमरा बनवाने का इंतजाम करता हूँ। यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन परिवार तो वही है ना, जो परिवार के सदस्यों के लिए थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर ले। तुम लोग भी कुछ दिन एडजस्टमेंट कर लो, मैं जल्दी ही माँ के लिए नया कमरा बनवा दूंगा। आकृति ने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे रोहित के पास उसे समझाने के लिए चली गई। इधर सरला जी गांव से बेटे बहू और पोते के लिए जो सामान लाई थी वो सब निकाल कर अलग करने लगी ताकि गांव वापस जाने के लिए सामान पैक कर सके। तभी उनके पास विक्रम आया। माँ के सजल आंखें देखकर उसे तेज झटका लगा। उसने माँ के घुटनों के पास बैठे हुए उनकी गोदी में सिर रख दिया और कहने लगा कि माँ क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? सरला जी मुस्कुरा उठी और उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, बस मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों से मिल ली, अब शाम की ट्रेन से वापस चली जाती हूँ। फिर जरा हिचकिचाते हुए बोली, वैसे भी मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी होगी। विक्रम के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो भर्राए गले से बोला, माँ के कारण बच्चों को कभी परेशानी हो सकती है क्या? माँ तो वह होती है जो अपने बच्चों के लिए लाख कष्ट सहती रहती है, लेकिन उसके मुंह से एक उफ तक नहीं निकलता है। माँ के संघर्षों से बच्चे क्या बराबरी कर पाएंगे? एक बच्चे को पालने के लिए माँ अपनी नींद, सुकून और यहाँ तक कि खाना पीना भी भूल जाती है। उसकी ममता का कर्ज बच्चे कहाँ से चुका पाएंगे? बच्चे तो बस माता पिता की सेवा करने की कोशिश कर सकते हैं। सरला जी बेटे की बात सुनकर बहुत भावुक हो गई और कहने लगी, लेकिन बेटा यहाँ तेरे घर में मैं रहूंगी तो तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत तो हो जाएगी ना। विक्रम ने माँ की हथेली थामते हुए कहा कि माँ, इतने बड़े शहर में घर बनवाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने वर्षों बचत की, तुम्हारी बहू ने भी बाहर जाकर नौकरी की, तब जाकर बड़ी मुश्किल से मैं ये घर बनवा पाया। उस समय तो जरूरत और बजट के हिसाब से कमरे बनवा लिए गए थे, लेकिन रोहित बड़ा होने लगा तो हमने उसका कमरा अलग कर दिया। उस समय मेरे पास जितने पैसे थे उसमें मैंने इतने ही कमरे बनवाए। आपको कुछ दिनों तक एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं जल्दी ही आपके लिए एक कमरा बनवा दूंगा। तकलीफ हमें नहीं माँ, बल्कि थोड़े दिनों तक आपको तकलीफ सहनी होगी। सरला जी का मन बेटे के लिए गर्व से भर आया, लेकिन अगले ही पल जब उन्हें बहू की बातें याद आई तो उन्होंने सोचा कि बेटा भले ही मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन बहू को तो मुझसे दिक्कत है ही। उन्होंने रुंधे गले से कहा कि नहीं बेटा, मेरे लिए कमरा बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। तू कहता है तो मैं 2-4 दिन रुक जाती हूँ, फिर गाँव चली जाऊंगी। तभी उनकी बहू आकृति भी वहां आ गई और सासू माँ के पास बैठकर कहने लगी, ऐसे कैसे माँ, मैं आपको जाने दूंगी तब ना आप जाएंगी, आपको हमारे साथ ही रहना होगा। आप कुछ दिनों तक रोहित के कमरे में रह लीजिए, वह भी आपके साथ खुशी खुशी कुछ दिन रहेगा तो आपसे कुछ संस्कार ही सीख लेगा। फिर विक्रम ने कहा है कि आपके लिए पर्सनल कमरा बनवाएंगे, तब तक आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बहू के बदले हुए सुर सुनकर सरला जी आश्चर्यचकित रह गई। तभी रोहित भी दौड़ता हुआ दादी के पास आया और उनकी गोदी में बैठकर कहने लगा कि हाँ दादी माँ, आप मेरे साथ मेरे कमरे में रहना, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा, आप मुझे रात को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना। सरला जी ने प्यार से अपने पोते को अपने अंक में समेट लिया। कुछ ही पलों में वहां का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। सभी के चेहरे पर संतोष की लकीरें थी। विक्रम गर्व भरी नजरों से पत्नी की ओर देख रहा था। कुछ समय पहले पत्नी की बेतुकी बात सुनकर वो हैरान ही रह गया था, लेकिन आकृति का यह रूप देखकर उसे पत्नी पर बहुत प्यार आ रहा था। सरला जी भी खुश थी, वो समझ गई थी कि शायद बेटे ने ही बहू को समझाया होगा। उन्होंने सच्चे दिल से बहू की बात को नजरअंदाज करने का फैसला करके बहू को प्यार से गले से लगा लिया। फिर सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। कुछ ही महीनों में विक्रम ने माँ के लिए घर में एक और कमरा बनवा लिया था। सरला जी को बहुत सुकून था कि उन्हें इतना प्यार देने वाला परिवार मिला। दोस्तों, आजकल एकल परिवारों का चलन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यदि घर के बड़े बुजुर्ग साथ रहने के लिए आ जाते हैं तो बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यदि हम उन्हें भी प्यार से अपनाएंगे तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही मिलेगा। और ऐसी स्थिति में बुजुर्गों को भी चाहिए कि वह बच्चों को भी थोड़ा पर्सनल स्पेस दे और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।